सफेद चादर से लिपटी सड़कें, चारों तरफ सिर्फ कोहरे का कर्फ्यू, फर्राटे भरते गाड़ियों के पहिए जाम से हो गए हैं, सिर्फ जगमगा रही है तो लाइटों की रोशनी। कड़ाके की सर्दी का ये प्रकोप सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं दिख रहा, बल्कि उत्तर भारत के राज्य इसकी चपेट में है। कोहरे ने शहरों की तस्वीर ही बदल दी। मकर संक्रांति के दिन कोहरे की जबरदस्त मार देखने को मिली। रेन बसे अब रुके हुए हैं साहब, मुफ्त रुके हुए हैं, कोई मतलब कोई पैसा नहीं है, बहुत सुविधा यहाँ के लिए, बहुत अच्छा लगा हमें। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि विजिबिलिटी कितनी कम है, विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम है, जिसकी वजह से सड़कों पर थोड़ी सी दूर का भी कुछ नजर नहीं आ रहा। कोहरे से ज्यादा परेशानी सुबह सुबह ऑफिस जाने वालों को रही, गाड़ियों के लाइट के सहारे रेंग रेंग कर लोग गाड़ी चलाते नजर आए, तस्वीर देख कर ही कपकपी छूट जाए। सोचिए जो इस हाड़ कांप देने वाली ठंड में कोहरे और शीतलहर के बीच निकला होगा, उसकी क्या हालत रही होगी। कितनी ठंड है? बहुत ठंड है जी। क्या नाम है? सुनील। कितना कोहरा, कितनी ठंड है? ठंड भी बहुत पाला पड़ रहा है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और बिहार समेत कई राज्य आज घने कोहरे के आगोश में दिखे, जिसका असर ना सिर्फ सड़कों पर देखने को मिला, बल्कि विमान और रेल सेवा भी प्रभावित दिखी। उड़ान हो या ट्रेन, सभी लेट चल रही हैं। लोग घंटों घंटों स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में बैठे हैं। जानकारी के मुताबिक रविवार को करीब 22 ट्रेन देर से चल रही है। अभी गाड़ी 1.5 घंटा लेट है फिलहाल, बाकी सारी गाड़ियां लेट चल रही है, कोई 12 घंटा, कोई 8 घंटा, कोई 10 घंटा, देख रहे सब पैसेंजर परेशान है यहाँ। और एक इस गाड़ियों को लेट चलते 10-15 दिन हो गए, बहुत लेट है, बहुत ठंड है यहाँ। स्टेशन पे भी कोई ठंड का इंतज़ाम नहीं है, एकदम सूना सूना है, ठंड में आदमी का काटना बहुत मुश्किल हो रहा है, ना कोई यहाँ आग जला के बैठा हुआ, ना कुछ, बहुत मुश्किल है। कितने टाइम से वेट कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ सर, कम से कम यहाँ हो गए 2 घंटे हो गए मुझे भी, इतनी ठंड में बैठे बैठे क्या करें, मजबूरी है, पूरी भीड़ भाड़ है, कहीं बैठने की जगह नहीं स्टेशन पे। वही मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों कोहरे और शीतलहर से राहत नहीं मिलने वाली है। पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली और असम में कोहरे का रेड अलर्ट है। यहाँ अगले 3 से 4 दिनों घने से अति घना कोहरे छाए रहने का अनुमान है। इसके अलावा बिहार और राजस्थान में शीतलहर की संभावना है। इस कड़कड़ाती ठंड ने हाथ पैर सब जमा दिए हैं। ऐसे में भीषण ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जगह जगह स्थानीय निवासी आग तापते दिख जाएंगे। हमारी गुजारिश है कि ठंड में जितनी हो सके उतनी सावधानी बरतें, सिर्फ जरूरी काम के लिए घरों से बाहर निकलें।